संत बलबीर सिंह। चौथी नंबर पर्यावरण। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह। बहुत धन्यवाद जी चेयरमैन साहब जो समा दिता। सो मंत्री साहब बहुत वधिया काम कर रहे सी, पर्यावरण की इन्हां नाल गल करना चाहते हैं कि जेडे सब तो वध प्रदूषण जिहड़ा है वो जिहड़ा डीजल आदि वाहन असी जिहड़े है जिहदा करके जे साडे नज़दीक लुधियाणा देखो तो सब तो पोल्यूशन शहरां च आउंदा। उहदा कारण की है कि उत्थे डीजल वाहन बहुत चलते हैं। सो असी मंत्री साहब दे कोलों जानना चाहते हैं कि वातावरण साफ रखण लई कि सरकार पेट्रोल की थां ते प्रदूषित रहित देसी ढंग नाल बदलवें प्रबंध ईंधन ते विकास ते जोर दिता जा रहा है। जे दिता जा रहा तो उहदा वेरवा देश विच खास तौर पर पंजाब दीआं सड़कां विच जिहड़ी ओह मशीनरी चलती है जिहदे नाल सड़कां बणाईआं जांदीआं कि उहदे विच CNG LNG ते इथानोल की वरतों करने लई की कदम चुके आ जे है तो उहदा दस्सो। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 40% जो इमिशन ऑफ CO2 है, पोल्यूशन है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। ये चिंता का विषय है। 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशन एवरी ईयर, इट इज़ ए वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। और इसमें से हमारे देश में 85% फ्यूल जो है वो फॉसिल फ्यूल है जो इम्पोर्ट होती है और जिसकी इम्पोर्ट की कॉस्ट 16 लाख करोड़ है। तो इकोनॉमिक एंड पोल्यूशन दोनों हिसाब से ये बहुत गंभीर समस्या है। और ये जो पेट्रोल और डीजल, इसके कारण विशेष रूप से जो पोल्यूशन होता है जिसकी बात आदरणीय सम्मान्य सदस्य ने रखी है, उसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और इसको प्रायोरिटी दी है। अध्यक्ष महोदय, इंडिया ये कार मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 5वें नंबर पर था, पर आज हमारा नंबर 3रा हो गया। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, फिर हम हैं। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया। पर एक बात ये भी है कि इसका ग्रोथ रेट बहुत बड़ा है। टोटल व्हीकल्स में 9.91% और कार और फोर व्हीलर्स में 20% है। और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा GST भारत सरकार और राज्य सरकार को दे रही है और 4.5 करोड़ जॉब्स यहाँ क्रिएट हुए हैं। पर इसके बावजूद जो सन्मान्य सदस्य ने जो बात रखी उसके आधार पर भारत सरकार ने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल ये दोनों को विशेष रूप से प्राधान्य दिया है। ये जो G20 हुआ इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये भी निश्चय इसका ये हमने निश्चित किया और ये टारगेट तय किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन तक जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अल्टरनेटिव फ्यूल पे अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं। सर, मैं खुद इसका बाय हार्ट प्रचार करते रहता हूँ। मैं पार्लियामेंट में आता हूँ तो हाइड्रोजन की गाड़ी में आता हूँ, अभी मैं फ्लेक्स इंजन की गाड़ी में आता हूँ, दोनों भी गाड़ियाँ हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो चावल है ब्रोकन राइस और परली बायोमास और शुगर केन जूस और मोलाइसिस, इसमें इथेनॉल बनता है और 100% इथेनॉल पर ये इनोवा गाड़ी जो है टोयोटा की जो चलती है, अभी बाकी भी कंपनी इसके लिए लॉन्च कर रही है, जो 100% इथेनॉल पर चलेगी। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। फिर ये जो इथेनॉल की गाड़ी है 60% बिजली तैयार करती है तो वो भी पोल्यूशन कम होता है। तो ये पहले फ्लेक्स इंजन को हमने फैसिलिटी प्रोत्साहन दिया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर तो फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, पर बजाज, TVS और हीरो ने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी लाई है। अब जल्दी ही पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ इथेनॉल के पंप की हम शुरुआत कर रहे हैं जिसके कारण बड़े प्रमाण पर ये प्रॉब्लम कम होने में मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फूड ग्रेन्स, ऑल टाइप ऑफ एक्सेस फूड ग्रेन और एक्सेस शुगर, तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और इस साल ये जो गन्ना किसानों को जो भाव मिले हैं
इसका कारण इथेनॉल की इंडस्ट्री है और इथेनॉल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। डीजल जनरेटर हमारे देश में 6 लाख है मोबाइल टावर, और उसके ऊपर जो डीजल जनरेटर्स है वो 8,000 साधारणतः 8,000 लीटर्स ऑफ डीजल 8,000 ये जो 6 लाख मोबाइल टावर है ये 250 करोड़, एक को 8,000 लीटर लगता है, 250 करोड़ लीटर डीजल केवल जनरेटर आज यूज़ कर रहे हैं हम लोग। 25,000 करोड़ का ये कम करने के लिए जल्दी ही इथेनॉल बेस हम लोग ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग होता है वो लिथियम आयन बैटरी पे ड्रोन चलता है, वो भी फ्लेक्स इंजन लाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा मैं आदरणीय सदस्यों को ये विशेष रूप से कहूँगा कि हमने बायोमास से परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी को बहुत प्रोत्साहन दिया है, और इसके कारण शुगर मिल वेस्ट जैसे प्रेस मड है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और परली राइस स्ट्रॉ, इसमें कम से कम 36 प्लांट चालू हो गए जो सीएनजी बना रहे हैं और 175 प्लांट प्रोसेस में हैं और मैक्सिमम पंजाब में बन रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पानीपत में इंडियन ऑयल ने अपना पहला प्लांट परली से इथेनॉल बनाने का डाला जो 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार करता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करता है जो रोड में काम में आता है। हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो परली जलाकर जो प्रदूषण होता है इसके बजाय बायो बिटुमिन बनेगा और वहीं अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। जो हवाई ईंधन है उसमें भी 1% डालने का प्रयोजन वर्ल्ड लेवल पर हुआ है और ये भी ईंधन देश में बनेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाइड्रोजन की कार में ही काफ़ी बार आता हूँ और हाइड्रोजन अभी तैयार करने के लिए 5 हाइड्रोजन मिशन सरकार ने बनाया, 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर हमको हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है, कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, पेट्रोलियम से बनता है ब्राउन हाइड्रोजन है, और जो पानी से बायोमास से म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है, वेस्ट टू वेल्थ, नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ, जैसे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को हम नॉलेज कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी लाकर नॉलेज टू वेल्थ, और दूसरा नो मटेरियल इज वेस्ट नो पर्सन इज बेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो सर हमें यह हाइड्रोजन तैयार करने के बारे में ये भी उपक्रम हाथ में लिया है, इसमें बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा, किसानों का भी फायदा होगा। अभी इसका रेट 300 रुपये पर केजी है क्योंकि इसके कॉस्ट इलेक्ट्रोलाइजर से बनता है, 50 यूनिट पावर लगती है, पर हमारे यहाँ विशेष रूप से हमारे बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और यादव करके मुंबई में टेक्निकल केमिकल इंस्टीट्यूट के उन्होंने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया और हमारा यह प्रयास है कि $1 के नीचे कम आएंगे, तो $1 के नीचे अगर कम आएंगे और एग्रीकल्चर बायोमास का उपयोग होगा तो किसान समृद्ध संपन्न होगा और हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, यही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महत्वाकांक्षा है। और इसीलिए ये जो विशेष रूप से ये जो ग्लोबल अलायंस हुई है G20 में इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक जो बात उन्होंने कही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, वो भी बहुत पोल्यूशन करता है। 2 दिन पहले मैंने JCB हाइड्रोजन पर चलने वाला JCB लॉन्च किया है और जल्दी ही आप कंस्ट्रक्शन ट्रक में बसेस में हाइड्रोजन आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक का तो अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस अब कॉमन हो गई और धीरे धीरे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग करके और वेस्ट को वेस्ट से ये एनर्जी तैयार करके और किसानों का भी आर्थिक स्थिति सुधारे और प्रदूषण को कम करे, ऐसी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सेकेंड सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह। बहुत धन्यवाद मंत्री साहब। एक असी पूछना चाहते हैं कि सड़क किनारे टाउनशिप स्मार्ट सिटी लॉजिस्टिक पार्क उद्योग कलस्टर बनाने की कोई योजना तैयार की गई है? जे हाँ तो इसके वेरवे दिए जाए, सड़क इन प्रोजेक्टा अधीन आदियाँ तो राजवार उन्होंने वेरवे दिए जाए। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय,
टोटल देश में हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP बना रहे हैं। इसमें जोगी दोपा जो आसाम में, उसमें MMLP जो है वो मल्टी मॉडल है, यानी रोड भी है, हवाई जहाज एयरपोर्ट भी है, जलमार्ग भी है और उसके साथ रेलवे भी है। तो पंजाब में भी जो आदरणीय सदस्य जहाँ से आते हैं, नॉर्थ पंजाब में अमृतसर और जालंधर गुरदासपुर, इसमें प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हुई है जिसका हम विचार कर रहे हैं। साउथ पंजाब में लुधियाना, संगरूर और पटियाला, यहाँ लैंड के लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। बठिंडा पे भी हम लोग कर रहे हैं और आपको पता होगा कि बठिंडा से हमने डायरेक्ट जामनगर रिफाइनरी के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्चा करके एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। उसके आजू बाजू भी हम इस प्रकार की बातें सोच रहे हैं। विशेष रूप से 670 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, उसमें से ये जो रिवर साइड एम्यूनिटीज़ है इसमें पंजाब में 40 है और 40 में से जो विशेष रूप से मुझे खुशी है कि अवार्ड जो हुआ है पंजाब में 7 का हुआ है, 33 अंडर बीडिंग है और ऐसे देश में टोटल 640 रोड साइड एम्यूनिटीज़ होगी और वहाँ वहीं का फूड, वहाँ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, इसको भी प्रोत्साहन करेंगे। पेट्रोल डीजल गैस CNG LNG इथेनॉल के पंप भी होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी होगा और वहीं के विशेष रूप से वहाँ लोग रुक सकते हैं, इसे एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होगी और ये इस प्रकार के दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कोशिश हो रही है।